हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड सेटिंग को यूज़ करोगे और दोस्तों अपने फोन में 4 डिजिट पासवर्ड सेटिंग को कैसे सेटअप कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों बिना किसी देरी के सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लो। इसके लिए फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में यहाँ पे इस तरीके इंटरफेस शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक सेटिंग का। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा सेट लॉक स्क्रीन पासवर्ड का, तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको 5 सेकंड रुकना है। 5 सेकंड के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपको इस वाले नोटिफिकेशन को पढ़ भी लेना है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ नोटिफिकेशन और यहाँ पर जो लिखा रहा है किस लिए लिखा रहा है। दोस्तों अगर अपने पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो आप अपना पासवर्ड भूल गए तो अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकते। आपको अपना पासवर्ड याद रखना है वरना आपको अपने फ़ोन का फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यू डिफरेंट पासवर्ड टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम 4 डिजिट मतलब पिन पासवर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दोस्तों जो भी पिन आप यूज़ करोगे प्लीज़ याद रखना। दोस्तों अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो मेरा पिन पासवर्ड है वो है 4321। दोस्तों काफ़ी ईजी एंड कॉमन पासवर्ड है, तो यहाँ पर काफ़ी दिखा रहा है, काफ़ी ईजी सा पासवर्ड है। तो यहाँ पर यूज़ पे क्लिक करेंगे, 4321 पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पिन लॉक पासवर्ड सेट हो जाएगा, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो। दोस्तों स्क्रीन को करेंगे लॉक, फोन को अनलॉक करने के लिए 4321 को एंटर करोगे, आपका डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपने डिवाइस तो 4 डिजिट पासवर्ड को आप यूज़ कर सकते हो, पिन लॉक पासवर्ड को आप ऐसे सेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपके फोन में पहले से पिन पासवर्ड सेट है, आप अपने पासवर्ड को अपडेट मतलब चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप मॉडिफाई वाले पे क्लिक करो। फिर दोस्तों मॉडिफाई पे क्लिक करते आपको अपना पासवर्ड दोबारा से एंटर करना है और दोस्तों यहाँ पर आप सेट कर सकते हो न्यू पिन पासवर्ड अपने फ़ोन के लिए। अब दोस्तों 431 की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं 1478, ठीक है, 1478। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अब नोटिफिकेशन नया है काफ़ी ईजी पासवर्ड के लिए। दोस्तों जब भी अपने फोन में 1234 मतलब काफ़ी इजी सा पासवर्ड यूज़ करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपको यस यूज़ पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन को लॉक करने के बाद आप देख सकते हो 4321 को अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मतलब ओल्ड पासवर्ड, तो यहाँ पर अनलॉक नहीं कर सकता डिवाइस को। डिवाइस को अनलॉक करने के लिए 1478 को यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने डिवाइस में पिन लॉक पासवर्ड सेटिंग को यूज़ कर सकते हो, इसको सेटअप कर सकते हो। बाय दोस्तों, मिलते हैं स्टूडियो में, और कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे टर्न ऑफ वाले पे क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड यहाँ पे हट जाएगा। बाय।